इसी तरीके से एक और सोच के बारे में कुरान ने कहा, जिनकी ये मादी सोच होती है ना, उनका मामला ये होता है कि वो मरना नहीं चाहते, वो मरना नहीं चाहते, अल्लाह से मिलना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि ये दुनिया छूटे नहीं। लेकिन मैं आपको इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला का एक इरशाद आपके गोश गुजार करूं, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी सोच के अंदर एक इनकलाब पैदा होगा। इंसान की जिंदगी के चार मरहले हैं। कितने मरहले? चार मरहले। एक वो माँ के पेट में रहता है, दूसरा इस दुनिया में आता है, तीसरा वो कब्र में, और चौथा महशर। तवज्जो से सुने, जब वो माँ के पेट में होता है तो वो दुनिया उसे इतनी अच्छी लगती है कि वो जमीन पर आना नहीं चाहता। हालांकि माँ का पेट कितना छोटा होता है, उस छोटी दुनिया में उसे अच्छा लगता है और वो इस दुनिया में नहीं आना चाहता। लेकिन जब आता है तो माँ को कितनी तकलीफ होती है। कुरान ने उसको मेंशन किया, लकद खलकनल इंसान फी कबद, हमने इंसान को तकलीफ में पैदा किया। कितनी तकलीफ होती है कि माँ को वो जो दर्द का झटका लगता है, वो दर्द इतना शदीद होता है कि अगर कोई औलाद जिंदगी भर अपनी माँ को कांधे पर उठा करके हज कराए तब भी उस दर्द का बदला वो नहीं चुका सकता। आप जरा सोचें, बच्चे का माँ के शिकम से दुनिया में आना, उस बच्चे को इतनी तकलीफ होती है आने के अंदर, और वो बच्चा इस दुनिया में आना नहीं चाहता इसलिए कि जिस माँ के पेट में है वो माँ के पेट वाली दुनिया उसे अच्छी लगती है। इसलिए जब यहां आता है तो रोने लगता है, पैदा होते ही बच्चा रोने लगता है, और न रोए तो इसे जबरन रुलाया जाता है कि रो भाई, किसी भी तरीके से उसे रुलाया जाता है, और न रोए तो घर वाले रोना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं ये जिंदा भी है कि नहीं, तो रुलाया जाता है। तो एक दुनिया जो माँ के पेट की थी उसे वो बड़ी दुनिया समझ रहा था, वो दुनिया में नहीं आना चाहता था, इस दुनिया में जिसमें बाद में आया और यहाँ आके रोना शुरू किया। अभी कुछ दिन यहाँ गुजारे तो उसको समझ में आने लगा कि तो बहुत वसी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ तो इंसानों का जन्म हुआ, फिर माँ के पेट में तो कोई भी नहीं था, मैं तो अकेला था वहां पर, बड़ी छोटी तंग जगह थी, वहां पर मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा था, ये तो बड़ी वसी दुनिया है। अब इसी दुनिया में वो जीने लग जाता है, इसी दुनिया में वो जीने लग जाता है। फिर दुनिया में जीते जीते उसकी जिंदगी ऐसी इस दुनिया से लग जाती है कि फिर उसको मरने की तमन्ना नहीं होती कि इतनी अच्छी दुनिया मुझसे छूट जाए, ये मैं कैसे गवारा करूं। तो जिस तरह माँ के पेट में रहकर वो दुनिया उसे अच्छी लगती थी और वो इस दुनिया में नहीं आना चाहता था, इस दुनिया में आने के बाद वो इस दुनिया को छोड़ना भी नहीं चाहता, चाहता है मैं यहीं रहूं न मरूं, अल्लाहु अकबर, और इसी दुनिया में वो जिंदगी गुजारने के अंदर फख्र भी महसूस करता है और जीना भी चाहता है। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फैसला होता है, मौत आ जाती है, तो अब मौत के बाद उसे कब्र में तीसरी दुनिया में पहुंचाया गया। मरना नहीं चाह रहा था, जैसे माँ के पेट से निकलना नहीं चाह रहा था, ऐसे दुनिया से मरना नहीं चाह रहा था, लेकिन मौत आई, अल्लाह ने चाहा माँ के पेट से भी आ गया, अल्लाह ने चाहा तो मौत आई, तो या दुनिया से भी वो चला गया। अब जाता है कब्र की दुनिया में। अब जब कब्र में पहुंचता है तो जाने से पहले तो सोच रहा था कि मैं दुनिया में कब्र में न जाऊं, लेकिन कब्र में जब आता है तो अगर मोमिन है, आशिक रसूल है, तो उसके लिए वो जन्नत का बाग होता है। तो जब वहां पहुंचता है तो उसका दिल वहां लग जाता है और कहता है उस दुनिया से तो ये दुनिया कितनी अच्छी है, इसलिए कि हद्दे निगाह तक जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। अब वहां जन्नत की खुशबू आ रही है, जन्नत की हवाएं आ रही हैं, मोमिन के लिए जन्नत का बिछोना बिछ जाता है। तो अब वो सोचता है यार उस दुनिया से तो ये दुनिया बहुत अच्छी, उस दुनिया से ये दुनिया बहुत अच्छी है। अभी इस दुनिया के अंदर उसको सुला दिया गया, फरमाया गया इस तरह सो जा जैसे दुल्हन सोती है। बंदा सो रहा है मस्ती में एकदम, कोई इबादत करना नहीं, कोई रियाजत करना नहीं, कोई तिलावत करना नहीं, कुछ भी नहीं, न खाना न पीना, बस पड़ा है आराम से, जन्नत की हवाएं ले रहा है। तो कितनी अच्छी दुनिया है ये, उस दुनिया से ये दुनिया अच्छी। अचानक सूर फूंकी जाती है, कयामत कायम होती है, चलो अब यहां से भी उठो, अब वहां से उठाया जाए,
अब मैशर में जब पहुंचता है तो सोचता है ये तो बड़ी अजीब दुनिया है। अब जब वहां कदम रखता है और उस दुनिया को देखता है तो सोचता है ये तो कब्र की दुनिया से बड़ी दुनिया है। और फिर हिसाब किताब वहां पर होता है। और जब अल्लाह अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देता है, फिर जन्नत में जब दाखिल किया जाता है तो उस बंदे से पूछा जाता है, बंदे दुनिया में दोबारा जाना चाहता है? तो वहां पहुंचकर बंदा कहता है, मौला अब दुनिया जन्नत में नहीं जाना, ये जन्नत ही हमारे लिए आखिरी ठिकाना कर दे। तो मौला भी फरमाते खालिदीन फीहा अबदा, जा हमेशा के लिए तू इसके अंदर। तो ये चार मरहले हैं। हमने माँ के पेट के मरहले को समझा, ये बहुत अच्छी जगह है, लेकिन उससे बेहतर जगह ये दुनिया, इस दुनिया से बेहतर जगह कब्र, और कब्र से बेहतर जगह जन्नत है। लेकिन हमारी सोच मद्दी बन चुकी है और मटेरियलिज्म के हम शिकार हो चुके, इसलिए हम दुनिया छोड़ना नहीं चाहते। और क्यों नहीं छोड़ना चाहते? इसलिए कि गुनाह ज्यादा हो गए, नाफरमानियां ज्यादा हो गई। अल्लाह की नाफरमानी में इतनी जिंदगी गुजारे कि हिसाब देने के तसव्वुर से डर रहे, वरना मौत का तसव्वुर उस शाख के लिए कितना अजीम है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जब विसाल का वक्त करीब आया तो उनकी बीवी ने देखा कि हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे। तबीब ने कह दिया कि अब वक्त इनकी जिंदगी का ज्यादा नहीं, बस थोड़ी ही देर में इस दुनिया से कुछ कर जाएंगे। ये सुनते ही हजरत बिलाल के चेहरे पर खुशी जाहिर हुई, मुस्कुराने लगे। बीवी ने कहा, मौत का नाम सुनकर आदमी घबरा जाता है और आप मौत के नाम को सुनने के बाद मुस्कुरा रहे हो? तो कहते हाँ, ये मौत ही तो ऐसा रास्ता है कि इससे गुजरने के बाद कब्र में मेरे महबूब का दीदार मुझे नसीब होगा। तो जिस रास्ते से गुजरकर महबूब का दीदार नसीब हो, मैं उस रास्ते को बुरा कैसे कहूं और उससे डरूं क्यों, बल्कि कल आती हो तो आज आ जाए ताकि कब्र में अपने महबूब के जलवे को मैं देखूं। इसीलिए आला हजरत अजीम उल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत कहते हैं, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। तो मगरबी सोच मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं, मादी सोच ये है कि दुनिया में रहना वो पसंद करता है, और ईमान वालों की सोच ये है कि वो अपने मौला की बारगाह में हाजिर होकर मौला से मुलाकात करने की सोच को परफेक्ट समझता है। इसको कुरान ने मेंशन किया, आप इसको समझिए, इस आयत को अच्छी तरह से समझिए। कुरान कहता है, बेशक जो हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, वो जो हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, वो कौन लोग हैं जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते? यहां से मुराद कुफारो मुशरिकीन के हवाले से, वो मिलने की उम्मीद नहीं रखते। और उन लोगों की सोच क्या है? रदू बिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी से राजी कि बड़े मजे की यहां कट रही है, बड़े मजे की जिंदगी गुजर रही है। तो वो राजी हैं अपनी दुनिया की जिंदगी से, बल्कि राजी ही नहीं उससे मुतमईन है, वतमान बिहा, वो उससे मुतमईन है। लेकिन ये लोग जो राजी हैं दुनिया की जिंदगी से और मुतमईन है अपनी जिंदगी पर, ये कौन लोग हैं? तो कुरान कहता है, वल्लदीनहुम अन आयातिना गाफिलून, ये वो लोग हैं जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं। अब मुफस्सिरीन फरमाते, खास तौर पर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, अल्लाह की निशानी से मुराद कुरान मुकद्दस और जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन दोनों से वो गाफिल हैं। यहां ये बात समझ में आई कि बहुत ज्यादा दुनिया की जिंदगी से मुतमईन होना और बहुत ज्यादा दुनिया की जिंदगी से खुश होना, ये उन लोगों की अलामत है जो हुजूर से भी गाफिल हैं और कुरान से भी गाफिल हैं।